रुकिएगा दीदी, बात करेंगे आपसे हम 2 मिनट। एक साल से रखा सीवर पाइपलाइन, आज भी लोगों का पानी द्वार पे बह रहा है। जो रोडे बनी वो आधी अधूरी, और आने जाने में कितनी होती है दिक्कत। इस समय मौजूद हूँ मैं वाराणसी जिले के उदयपुर ग्राम सभा में, सॉरी उदय उमराहा ग्राम सभा है, और स्कूल के पास भी हैं। अभी जब मैंने यहाँ के लोगों से भी बात किया, अभी अपने कैमरे द्वारा दिखाया कि कुछ सड़कें तो आधी बन चुकी है, कुछ बाकी है, जगह जगह पे गड्ढे नजर आ रहे हैं। लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए सीवर तो गिरा, मगर वो भी एक साल से विराजमान कर रहा है। लेकिन उससे सीवर न होने से क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ के लोगों से कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। तो जैसे आपको हमने दिखाया कि यहाँ पे जो सीवर लाइन बिछाने के लिए काफी सामाने तो रख गई हैं, और आप भी देख रहे हैं ये है सीवर लाइन बिछाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण लोगों को किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, शायद उनकी समस्या को समाधान करने के लिए ये सीवर पाइपलाइन गिराई गई है। लेकिन ये तो एक खाली स्थान में विराजमान है, और लोग किस तरह से झेल रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ कुछ हैं लोग, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा दीदी? मीना देवी। ये कौन सा जगह है? उमराहा। दीदी यहाँ पे सीवर लाइन देखे गिरा है, उसके बावजूद भी पानी गलियों में है, कुछ रोटी जो बनी आधी अधूरी है, क्या वजह है? सीवर सब जाम हो गया है। कितने दिन से सीवर की समस्या है? अरे सीवर की समस्या कम से कम 5 साल पहले से है। 5 साल पहले से? लेकिन देख रहे हैं पाइपलाइन तो काफी गिरा है, कब से गिरा है? अरे यही नयका प्रधान जब भैला ना तब से गिरल है। तो ये अगर सीवर गिरा है खाली, अगर पड़ा नहीं है, तो किस तरह की दिक्कत होती है, पानी कैसे बहता है आप लोगों को? अरे वह नारी बना के बहावल जाता, जैसे खेत का पानी जाला नारी से, वैसे ही नारी बना के वह बहावल जाता। कोई दिक्कत नहीं होती है? अरे दिक्कत काहे ना, मच्छर काटत बा, नाला पर पानी बहत बा, दुआरे तक पानी बह के चल जाला, दिक्कत काहे नहीं बा, बहुत दिक्कत बा। बीमारी किस तरह से फैल रही है? अरे डेंगू काट लेत बा, मच्छर काट लेत बा, मलेरिया हो जात बा, बुखार आवे लगत बा, टाइफाइड हो जात बा। अब तक कितने लोग बीमार पड़ चुके हैं ऐसे नाली जो बह रही है? अरे बहुत लोग, ये गंगा में तो घर घर खटिया पर रंग है ना हो, अब वही कितना लोग बीमार हुए हैं। कभी छिड़काव ना, ये गाँव में जल्दी छिड़काव मिड़काव कुछ भी नहीं होला। अगर ये पाइपलाइन गिरा है तो कभी आप लोग नहीं कहा कि अगर जल्द से अगर पड़ जाए तो? कहायल, बाकी जब डल प्रधान लोग जब डलवाई है तब बन डली है। कौन है प्रधान यहाँ के? उदल प्रधान। तो क्या कहते हैं वो? कुछ आते नहीं है भाई, कुछ बताते ना हो, बस कहिया कि डला जाए बस। तो चलिए हम और भी यहाँ के लोग भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे, भाई से भी, कि यहाँ पे भैया ये जो सामने अधूरा है पड़ा है, आरसीसी थोड़ी बनी हुई है,
ये कब से पड़ा है, इसे कितना दिक्कत होता होगा, आप देख रहे हैं बीच बीच में चेंबर भी खुला पड़ा है। थोड़ा थूक दीजिए, कितने दिन से रुका है इसे? वो कर एक महीना हो पाई। कोई दिक्कत आने जाने में लोगों को? आने जाने में भैया गाड़ी मोटर आओ तो हुआ, पर जात पर आवत बटन वही पर। यही है, आओ क्या बच्चे देख रहे हैं, स्कूल है बगल में। हाँ। लोग काहे नहीं बच्चन के जाए में ठोकर तुआ कुल बटला बा, बाकी का करिया, बच्चा बचा के आवत जात बटन। और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे, अगर जैसे पाइपलाइन आप देख रहे हैं गिरा है, तो इससे क्या दिक्कत होती है आप लोगों को, किस तरह से? ये नाला का पानी बहाव का अंदर समझ के है, रोड बन जाए गांव में, रोड बन जाए, सीवर लग जाए, सीवर बन जाए, पाइप लग जाए, बस। और कोई परेशानी? मतलब सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को सीवर नहीं बहाने की जगह है? जगह नहीं है, पानी लगाओ जगह नहीं है कहीं, बस हमने के दुई। तो यहाँ पे पाइप लाइन गिरा है काफी दिन से, देख रहे हैं? काफी दिन से यहाँ नया पनार महीना तो नहीं गिरा, गिरा है। इस क्षेत्र क्षेत्र की आबादी क्या होगी, इस गांव के लोग रहने वाले कितने लोग होंगे लगभग, जो इस समय जूझ रहे हैं? बहुत भारी गांव है, बहुत बड़ी आबादी है, आबादी तनिक छोटा मोटा ना उम रहा है, बहुत पूरा लगा है। तो सबका पानी इसमें कैसे बहता है, नारी में या द्वार पे खन करके? अपन 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 जुगा करके अपन खुदवा खुदवा के अपन पाइप लगा के अपन से बहावत वही जहाँ जे जैसे बहावत बा वैसे वैसे अपन बहा, अपन वही में अपन लगा देते हुए अपन पाइप में जात बा। तो ऐसे तो बीमारी फैलती होगी, फैलता बा बाकी का कर जगह ना है, जगह भाई भी जोके पर मैंने कितना जिद करी, कहता है आधा सामने खड़ा हो साथ पे, बस रोड नाला हैंड पाइप पर जाए ना, तो आदमी जनता से पानी तब तरस दी है, तब का तो ये हमेशा बिगड़ा तरह की मतलब कुछ चलता है, हमेशा नहीं बिगड़ता है, धोखा दे दे तो हफ्ता लगा दे, हफ्ता लग दे। तो फिर पानी कहाँ से लेने जाते हैं आप लोग? चपा कल से, और क्या जैसे कि जे अपन बोले बाहर चपा कल पर जाके अपने पानी ले जाए, लेने देते हैं टाइम से? क्या करिए भाई, बिगड़ कर तो मजबूरी में लेवा ही दी है, मने करेंगे यही मेरा सब ले। अच्छा, इस गांव में अभी तक क्या क्या विकास हुआ है, क्या नजर आ रहा है आप लोगों के? मान लीजिए विकास नहीं हुआ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हम लोग के, कुछ भी ये गांव में कुछ भी विकास नहीं। लेकिन ये क्षेत्र जो है, अभी जो सड़क बनी है, मैंने वहाँ पे भी देखा, मंत्री अनिल राजभर जी का क्षेत्र है ये, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। कौन विकास भल बात देखता हूँ, घूम के देख ला कुछ नहीं, के कुछ नहीं हुआ है। जैसे विकास रहत तो के नाला रोड कुछ सुरक्षा मिलत ना, बनल मिलत, बढ़िया मिलत ना, कुछ भी बढ़िया देखत हो, कुछ नहीं ना। तो आपने देखा कि ये समय मैं उम रहा ग्राम सभा में हूँ, जहाँ पे आधी अधूरी सड़कें तो सीसी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड से चलना कितना मुश्किल है, क्योंकि बगल में ही स्कूल है, बच्चे भी हैं। एक स्कूल का मैं झलक भी आपको अपने कैमरे के जरिए दिखा देता हूँ। दूसरी तरफ ये है सबसे महत्वपूर्ण, तो ये है गड्ढा, जहाँ पे अगर कोई गिरेगा तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, अनहोनी कभी पूछ के नहीं आती। और बगल में स्कूल भी है, आप भी देख सकते हैं किस तरह बच्चे हैं, खेल रहे हैं इसमें। तो आप देख रहे हैं ये है आधा अधूरा काम का, जो काफी दिन से रुका हुआ है। लोगों का आरोप भी है कि अगर यहाँ पे पाइपलाइन पड़ जाती तो शायद ये दिक्कत न होती, क्योंकि बच्चे हैं, आने जाने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
देखा है आपने हमारे कैमरे के जरिए कि किस तरह से एक तरफ तो आधा अधूरा कहीं पड़ा काम, तो कहीं हाथ ही नहीं लगा, सामान तो गिरा, लेकिन जनता लगातार परेशान है। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे दीदी जी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये भी अभी इसी रोड से आ रही हैं। तो ये इसे दिक्कत नहीं होती है? काहे ना दिक्कत हो भाई जी, काहे जा दिक्कत होई, मतलब दिक्कत ना हो ना हो तो उतना दूर बन गए, इतना दूर खाल बा, इतना दूर ऊंच बा, इतना देरी हो गए, देखा घुमा, अब देखा वो लेके जात हो कहीं गढ़ा में चल गए ना, बोला तू हमें कल से देख ला, बोला हम तो कहाँ पे झूठ बतला भाई, इतने लोगों ने देखा आधा किया ऐसे वैसे सामानों का इधर उधर भाल बा। तो किसकी तरह था पूजा था, कहीं सीमित बाजू एक माटी में धूल में लसरा था, कहीं बाजू देखा कैसा था घाटी की तू तो जैसे बात का बात करती तो ना कहते कोई अमन था बताइए, हम वही ना कहे मगर देखा लाइज है कोई देखा जनता जन काम है कोई कहीं नीच है नहीं कहते हटा डाले। देख रहे हैं सीवर काफी आप लोगों के क्षेत्र में जाम है, यहाँ पे सीवर गिरा है, कितने दिन से गिरा है, क्यों ये कटा गिरल मैडम जी देखा है वो कुछ गिरल बा वो गिरल बा पता है ना कहे ना बनत बाकी देखा कैसे गड़ा दी फूट गए लेकर खेल के खो दे देख लेते हूँ हम कहा बताए सीवर नहीं है तो फिर पानी बहाने किस तरह की दिक्कत होती है? उबा के खेते में फेकल जला झगड़ा के जान का हाथ गो जोड़ो जला भैया ज्यादा तो हर अगवारी पिछवाड़ी है फेकत है बात बा। उससे बीमारी भी होती होगी? अब बीमारी तो अब हो या ना हो तो मैडम जी हमारे के ना सहा की है तो कभी प्रधान जी से नहीं कहा है आप लोगों ने इस क्षेत्र के कि मतलब जो सीवर गिरा है उसे मतलब हम ना जाते लड़का लड़की जनता तो जाता ना हुई जाता हुई कहता ना हुई देखा तो नहीं सुनते हैं क्या आप लोगों की बात? ना जैसे हम ना पहुँचल मैडम जी अभी अच्छा अब भाई उनका घर तनी दूरे बाय गाँव में कहा था चल जाता रही जा तनी होदे दूरे बा हम छोड़ का बर्तन मार जा काम धंधा कर ला परेशान नहीं बात नहीं देख ला वो झूठ बात बा। आपने देखा कहीं आधे अधूरे पड़े काम तो कहीं गिराया हुआ सीवर लाइन बिछाने के लिए और जनता आज भी परेशान है, वह काफी दिनों से जूझ रही है, अब तो वह यही कह रही है कि वादे और सामान तो गिर गया लेकिन कब बनेगा, अब देखना है कि ये जनता की जो समस्या है कब समाधान होती है या फिर सीवर लाइन गिरा करके ही बिरजता ही रहेगा।